हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एक्सेल हिंदी। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्सेल फंक्शन, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। हमारा टेक्स्ट फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन है कॉनकैटिनेट। आइए स्टार्ट करते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन से। कॉनकैटिनेट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है जॉइन टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। बेसिकली कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज़ में आता है टेक्स्ट को जॉइन करने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है? इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट को ब्रैकेट टेक्स्ट वन कोमा टेक्स्ट टू एंड सो ऑन। इस तरह से आप मल्टीपल टेक्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मेरा एक में नेम वन है, यहाँ नेम टू है। मैं चाहता हूँ इन दोनों को एक सिंगल सेल में जोड़ना। ये मेरी डिफरेंट डिफरेंट सेल में, ये एक कॉलम में है और ये बी कॉलम में है। मैं चाहता हूँ ये दोनों किस कॉलम में आ जाएं? सी कॉलम में। तो इसके ये किसके थ्रू होगा? फंक्शन है हमारा कॉनकैटिनेट। आइए लगाते हैं कॉनकैटिनेट। टेक्स्ट वन, टेक्स्ट वन हमारा कहाँ पर है? ए टेन पे कोमा, और टेक्स्ट टू कहाँ पर है हमारा? बी टेन पे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ज्वाइन हो गए। देखिए इस तरह से मैंने आपको शो किया किस तरह से आपको लगाना है। दोबारा से लगाते हैं कॉनकैटिनेट। टेक्स्ट वन किस पर? ए इलेवन। टेक्स्ट टू किस पर हमारा? बी इलेवन पर। ब्रैकेट को एंटर। तो अब हम इसे नीचे ड्रैग कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारे टेक्स्ट ज्वाइन हो चुके हैं। बट इसमें क्या हुआ है? स्पेस नहीं आया। देखिए हम चाहते हैं इसमें स्पेस भी आया हमारे बीच में, जैसे एलन स्पेस जॉन्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आइए दोबारा से लगाएंगे इसको। इसके लिए हमारे को बीच में एक थर्ड पार्टी, यहाँ पर क्या लिखा है? अप टू थर्ड पार्टी पीस ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग कैन ज्वाइन। हम थर्ड पार्टी टेक्स्ट स्ट्रिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दूसरी तरह से लगाते हैं। मैंने आपको शो किया किस तरह से आपको लगाना है। इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट ए टेन कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा सिंगल कोमा एंड बी टेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए इसमें क्या हुआ? स्पेस आ गया। दोबारा से लगाते हैं कॉनकैटिनेट ए इलेवन कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा सिंपल कोमा एंड बी इलेवन। देखिए इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेम चीज यहाँ हमने फंक्शन के थ्रू करा है, यहाँ हम ऑपरेटर के थ्रू करेंगे। किसके थ्रू होगा? एंड ऑपरेटर, इसे बोलते हैं एम्परसेंड। तो एंड ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे ज्वाइन करते हैं? हमने ए ट्वेंटी एन परसेंट बी ट्वेंटी एंटर। देखिए तो हम ऑपरेटर के थ्रू भी ज्वाइन करा सकते हैं। और हमें अगर स्पेस देना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ए ट्वेंटी एन परसेंट डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा देन अगेन एंड ऑपरेटर देन बी ट्वेंटी। देखिए तो हम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और एंड ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई किसी भी फंक्शन में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।